उद्धव जी को कहता हूँ, बाप की इज्जत को संभालो, तुम घुटने मत टेको सरकार के सामने। अगर ये सरकार बन नहीं सकती बिना उद्धव के। ये उद्धव के आदमियों को तोड़ के ले रहे हैं अपनी पार्टी में, एक तरफ मदद भी चाहते हैं, एक तरफ उनके आदमियों को तोड़ के लेते हैं पार्टी में। तो उद्धव जी का मैं चाहता हूँ कि आदित्य ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने, और नौजवान आदमी है, कम से कम कुछ अच्छा करेंगे, बीजेपी से अच्छा वो बनना चाहिए, और शरद पवार साहब को आगे बढ़ना चाहिए, कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए, इनको सपोर्ट करके एक नई सरकार, एक नए यूथ की सरकार बना देना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। और ये इनका जो अहंकार है मोदी जी का ना, ये अहंकार तोड़ देना चाहिए। जिस तरह जनादेश दिया है जनता ने, जनादेश दिया केवल महाराष्ट्र, हरियाणा में भी जनादेश दिया, नहीं नहीं बावजूद ऐसा है ना कि जनता जितनी खड़ी उससे पूछो आप कि आज किसी का कोई खुश है? आज हर लोग बर्बाद है, सबका धंधा खत्म हो गया, देश डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट से निकाल दिया गया। आज जो है 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हो गया, पुलिस मार रही है आदमियों को, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे में पता नहीं क्या हुआ, पागलपन, लोग जो फूल को कमल को लोग वोट देते हैं, कैसे हो रहा है ये? मैं इन लोगों से कहता हूँ कि ये हिंदुत्व के चक्कर में जो बेवकूफ़ बना रहे हैं मोदी जी ना, इससे हटो, देश को बचाओ। देश का सबसे बड़ा देशद्रोही वही हो सकता है जो आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राज करना चाहे।